मुझे किने दिनू मोही कहा विश्राम। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सजी है राम की नगरी अवध में राम आए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं अयोध्या से आपके साथ जुड़ा हूँ। अयोध्या जहाँ पर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है क्योंकि रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं और इस बार का दीपोत्सव बहुत खास होने जा रहा है। 7 बार से दीपोत्सव का आयोजन यहाँ पर हो रहा है लेकिन इस बार का दीपोत्सव बहुत खास है। कारण यह है कि रामलला का इंतजार खत्म हो रहा है, रामलला के तमाम भक्तों तमाम श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो रहा है। ऐसे में इस बार के दीपोत्सव को लेकर कैसी तैयारियां अयोध्या में हैं, यहां के संतों में कैसा उत्साह है, भजन मंडली कैसे गीतों के जरिए माहौल को बनाने की कोशिश कर रही है, सब कुछ जानेंगे और समझेंगे, संतों से बातचीत भी करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत हम संतों से बातचीत के जरिए ही करते हैं। महाराज जी, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो रहा है, इस बार का दीपोत्सव खास है, कितना खास है, कैसे खास है? ये बहुत ही इस बार का जो दीप महोत्सव है तो अद्वितीय खास है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज 500 वर्ष व्यतीत होने के बाद जिस तरह से 22 जनवरी को भगवान हमारे रघुनंदन राम गर्भगृह में स्थापित होंगे, आज उससे बड़ा खास दिन। दिवाली हर साल हुआ करती थी लेकिन रामलला टाट में हुआ करते थे, अभी रामलला का ठाट आने जा रहा है, रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। विश्वामित्र है आज जो पूरे विश्व का मित्र है, तमाम राष्ट्राध्यक्ष वो पांव छू रहे हैं, इस नाते मोदी जी विश्वामित्र है। जोगी वशिष्ठ की भूमिका में है, बस से अशिष्ठ है ऐसा वशिष्ठ है, इस नाते आप देखे होंगे 500 साल के बाद आज अयोध्या कैसी लग रही पता है? कि बड़ा नीक लागो, ये बड़ा नीक लागे, राघव तो रघुमा बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, हो बड़ा नीक लागे, राघव तो बड़ा नीक। इसके साथ है संतन के साथ साथ जोगी मोदी नउआ, संतन के साथ साथ जोगी मोदी नउआ, बड़ा नीक लागे, राघव तोरा। और सबसे बड़ी विशेषता, ना बाढ़ है ना बरसात है ना कहीं का पानी छोड़ाया है, राम की बड़ी बहन सरजू जी के जल को आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि हमारे दीदी सरजू उफान मार करके अपने आंख से आंसू निकाल करके राम के कमल में चरणों का प्रक्षालन करना चाहते हैं। सरयू की धारा कल कल कर रही है और उसी सरयू के बीच से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। महाराज जी, अयोध्या को कभी विवादों के लिए जाना जाता था, आज अयोध्या को दीपोत्सव के लिए जाना जा रहा है, ये बहुत बड़ा बदलाव आया है अयोध्या में। देखिए, अयोध्या आज से नहीं, अयोध्या अनादिपुरी है, पूर्ववर्ती सरकारों ने अयोध्या को उपेक्षित करके रखा था, अयोध्या से आने से कतराता था, वही राम जन्मभूमि, वही राम जी को काल्पनिक और उनके अस्तित्व सवाल करता था, कोई कहता था वहाँ शौचालय बना दो, कोई कहता था वहाँ हॉस्पिटल बना दो। आज जब प्रधानमंत्री और
माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब अयोध्या को सजाने और संवारने का कार्य किया जा रहा है, सनातन को सजोने का कार्य किया जा रहा है, वही विपक्षी जो है अपने मस्तक पर तिलक लगा करके यज्ञों पर धारण करके और हिंदू कहने के लिए बेवस हो गया है, भगवान के मंदिर में जाने के लिए बेवस हो गया, भगवान के चरणों में जाकर माथा नमाने के लिए बेवस हो गया, वह अयोध्यापुरी आज नहीं है, नारीपुरी है। जिस प्रकार से आज यशस्वी मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कैबिनेट का बैठक किया गया, अयोध्या जो है आज से नहीं अनादि जो है यह राजधानी हुआ करता था, अयोध्या वह पुरी है जिसको मनुज महाराज ने बताया, अयोध्या नाम नगरी तत्रा लोक विश्रुता है, मनुरा मानवेंद्र ने यह पुरी निर्मिता स्वयं, अयोध्या वह पुरी है जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम है, अभी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि स्वर्गावती गरीयसी अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या तस्याम हृदय कोशो जो ज्योतिषा पिता। अयोध्या को जो है वेदों में पुराणों में उपनिषदों में इतनी महिमा गाई गई है इसको 1000 मुख से शारदा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं और 1000 मुख और 2000 जीवा से शेष जी भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। वह अयोध्यापुरी है जो आज सज धज करके एकदम बिल्कुल नव नवायमान दुल्हन जैसी सजी हुई है। अयोध्यावासी और संत समाज जो है बिल्कुल हर्षोल्लास से आनंदित है, आनंद है, उत्सव है। अयोध्या की तस्वीर अब बदल गई है, इस अयोध्या में आनंद है, हर्ष है, उत्सव है, दीपोत्सव है। यहाँ जैसे हर साल दियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल लाखों दिए यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, कहीं लोगों के दिल भी जल रहे हैं, वो आज भी परेशान है राम के होने से, राम के अस्तित्व से और राम के भक्तों से। देखिए राम अयोध्या में आने से उनको कष्ट होता था, आज वही अयोध्या आने के लिए ललायित है, हर लोग चाहते हैं कि अयोध्या रामलला का हम दर्शन करें। तो ये जो दिन है वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दिन है कि अयोध्या को सजाने और संवारने में जो उन्होंने पूरी ताकत लगा के उन्होंने काम किया है वह बहुत ही सराहनीय है, जितना भी कहा जाए वह कम है। और अयोध्या वासियों में नहीं पूरे संपूर्ण भारतवासियों में खुशी का लहर है, खुशी का माहौल है और अयोध्या को उन्होंने सर्वांगीण विकास करने का भी काम किया, चाहे राम पथ हो या भक्ति पथ हो, अंगद पथ हो, चाहे दर्शन पथ हो, ये सभी उन्होंने राम दर्शन केंद्र हो वह बनाने का उन्होंने काम किया है। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है, बहुत जल्दी ही आपको सूचना मिलेगी कि बहुत उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री समूचे अयोध्या का विकास हो रहा है। एक त्रेता की अयोध्या हुआ करती थी, एक आज की अयोध्या है, आज के अयोध्या में सब कुछ नया नया है, इस अयोध्या में विवाद नहीं है और उत्सव के इस मौके पर हमारे साथ भजन मंडली मौजूद है, क्या सुनाना चाहेंगे आप न्यूज 18 के दर्शकों को इस मौके पर? जी सजी है राम की नगरी, अवध में राम आए, चरणों
वाह, ये उत्सव है अयोध्या का, ये माहौल है अयोध्या का। महाराज जी, हम सबने त्रेता युग नहीं देखा, जब राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे हमने वो युग नहीं देखा, लेकिन आज जिस तरीके का उत्सव यहाँ देखने को मिल रहा है, हम कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त अयोध्या में कैसा माहौल रहा होगा, कैसा उत्सव रहा होगा। बहुत ही भक्त और दिव्य वह उत्सव त्रेता का जो दर्शन आज, वह दर्शन हम लोग वज्रसुत को नहीं देख पाए, लेकिन आज वह हम परिकल्पना कर सकते हैं वह त्रेता का जो उत्सव रहा होगा, वह आज उसको हम लोग अपने नेत्रों से देख पा रहे हैं, साकार होते देख पा रहे हैं। और जो पुराणों में वर्णन है, जिस तरह से वाल्मीकि में, इतिहासों में, पुराणों जो वर्णन है, आज वर्णन के माध्यम से जो हम लोग ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, आज हम लोग साकार होते देख पा रहे हैं कि किस तरह से भारत के सभी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह साकार कर दिया, जो राम राज्य की परिकल्पना को हम लोग जीवन से देख पा रहे हैं। पात्री जी महाराज, लेकिन इस राम राज्य से कई लोग बहुत परेशान भी हैं, वो तो राम के होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, संतों पर जो मन कर रहा है वो टिप्पणी कर रहे हैं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ, बात करते करते संतों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये भाव है, ये आस्था है जो राम से जुड़ी हुई है, ये आज अनादिकाल से जुड़ी हुई है, इसको किसी का कोई बयान चोट नहीं पहुंचा सकता, किसी का कोई बयान इसको कम नहीं कर सकता। ये संतों के भाव है जो उनके शरीर में व्याप्त है, इसको शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी महाराज जी, कभी कभी पीड़ा होती होगी जब संतों को आतंकवादी कहा जाता है, जब कहा जाता है कि अब अयोध्या में ड्रामा शुरू हो गया है, दीपोत्सव को लेकर, राम मंदिर शिलान्यास को लेकर, अब रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने को लेकर कहा जाता है कि अब तो ड्रामेबाजी शुरू हो गई। यही लोग थे जो कल तक पूछ रहे थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख भी क्लियर हो गई, जब फैसला भी राम के पक्ष में आ गया, तब इनकी भाषा बदल गई। ये सदैव पीड़ित रहेंगे, और जिसे पीड़ित होना है उसे कोई नहीं रोक सकता है। जाके मतिभ्रम हो ही खगेसा, सोनर कहे पश्चिम कहीं जिनेसा। तो उसके नजर में तो सूर्य भगवान भी पश्चिम की तरफ उदित होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सूर्य भगवान जिधर उदित होते हैं उधर ही पूरब हो जाता है। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। तो दयानिधि मारन हो, या खड़गे हो, खड़गे पुत्र हो, या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इन लोगों के जो दिया है वो तेल से नहीं जलते, इनके हृदय के खून से इनकी दिया जलती है, और उनका हृदय का खून सूखते जाता है जब भगवान राम की नगरी प्रफुल्लित होती है। यहाँ तो वर्षों से कल्पनाएं होती आई, लोग के मन में भाव रहता है कि एक क्षण भी है जो अयोध्या में वास करने का हमें अवसर मिल जाए। कदावा साकेते बिमल सरयू तीर पुली ने समासीनम रामम जनक तनया वल्लभ विभो अये राम स्वामिन
यह कल्पनाएं रहती हैं कि सरयू पावन सरयू के तट पर कब मैं बैठकर भगवान राम का चिंतन करूंगा। और आज यह सुअवसर उपस्थित हुआ है कि पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लोग एक बार अयोध्या के तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। ये बदलाव आया है और यही बार बार मौजूदा सरकार की तरफ से कहा भी जाता है कि ये बड़ा बदलाव आया है कि जो राम के अस्तित्व को नकारते थे आज वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर, कोई गीत है आप लोगों के पास इस पर जो आपने तैयार किया है? बस कहना यही इतना है, अरे कनक भवन दरवाजे पर महाराज जी, बीजेपी बार बार कहती है कि राम मंदिर और राम हमारे लिए राजनीति का मुद्दा कभी थे नहीं है, हमारे लिए वो आस्था का विषय थे, आस्था का मुद्दा थे। लेकिन आज जबकि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, यहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो तमाम विपक्षी पार्टियां और नेता ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो कहते ही थे कि इनके लिए राजनीति का मुद्दा है और इसको भी ये 2024 में बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे बंधु पर लोग गा रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, लेकिन मेरे बंधु पर हमने विपक्षियों को भी सजा दी है, हमने विपक्षियों को भी सजा दी है, सजा दी है। और मुझे वो दिन याद आता है, हम लोग उत्साह चाहे मना ले, देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षण करेंगे 22 को, लेकिन उनके साथ साथ वो लोग भी पुष्प वर्षण करेंगे जिन लोगों ने राम जन्म भूमि पर अपनी जाने गवाई। मुझे वो दिन याद आता है जब कोठारी बंधुओं को सीने में गोली मारी गई थी, आंख में आंसू आ जाता है, रामचंद्र परमहंस छत से कूद पड़े थे, दोनों बेटों को गोदी में लगाया और पेशी वालों से कहा मार इस बूढ़े बाप को, मार इस बूढ़े बाप को गोली मार, हमारे राम लक्ष्मण जा रहे हैं, इस बूढ़े बाप को गोली मार। तो उन कार शोकों की सच्चे रूप में श्रद्धांजलि है, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अभी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्म भूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, उन सच्चे कार शोकों की श्रद्धांजलि दी है। ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है, ये 500 साल का जो लोग बोल रहे हैं कि आज की इतिहास, ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है, ये रक्त रंजित इतिहास है। शहीदों की शहादत, शहीदों की शहादत न वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, उस विधवा बहन से पूछिए। आज शौर गाथा है, आज वीर गाथा है, आज हमें संकल्प लेना है। मैं योगी आदित्यनाथ की उस बात का समर्थन करता हूँ,
उन्होंने कहा था कि मठ में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके, कमरे में बैठ करके और जगशाला में बैठ करके ओम शांति ओम शांति ओम शांति का जाप करो, लेकिन जब बाहर निकलो ये भगवा बस बांध करके अगर कोई भारत माता के ऊपर निगाह उठावे तो वहाँ बोलो ओम शांति बोला बंद कर दो, वहाँ बोलो ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति, माला की जगह माला ले लो, तब हिंदुस्तान की स्मिता बच पाएगी। इस नाते तहे दिल से मैं इस बुलडोजर बाबा, कौन बाबा? बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, भगवा वाले बाबा, विपक्ष के तमाम लोग जो कहते हैं कि भगवा नाम करता हूँ, वो भी 80 साल के बाद दाढ़ी को मेहंदी रंगा करके भगवा रंग में हो जाते हैं। ये टाट से ठाट तक की यात्रा है, इसी पर हम खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते टाट से ठाट तक की इस यात्रा पर अगर आप लोग कुछ सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। प्रभु का मैं स्वागत करूं, आरती उतारूं, कमल नयन के छवि नैनों से निहारूं, कमल नयन के छवि नैनों से निहारूं, पाँव पधारो तिलक लगाओ, पाँव पधारो तिलक लगाओ, सोने के आसन पे बिठाओ, सोने के आसन पे बिठाओ, धूप दीप आरती के सुगंध से आज अवध नगरी में गाओ, चारु धाम में आए हैं, धाम में आए हैं मेरे श्री राम में आए हैं, और राम राम और राम अकेले नहीं आए हैं, राम के साथ कौन कौन आया है? सिया लखन के संग में महाबली हनुमान आए हैं, सिया लखन के संग में महाबली हनुमान आए हैं, दीप जलाओ मंगल गाओ, दीप जलाओ मंगल गाओ, राम भजन कीर्तन करवाओ, राम भजन कीर्तन करवाओ, बाप से कलिया चुन चुन कर आज वर नगरी महकाओ, राम में आए हैं, राम में आए हैं मेरे श्री राम में आए हैं। क्या बात है, क्या बात है, राम आए हैं, राम आए हैं लौट कर अपनी अयोध्या में। और इस अयोध्या का माहौल क्या है आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से। दीपोत्सव की भव्य तैयारियां हैं, हर घर में दिए जलाए जा रहे हैं, हर राम भक्त की जुबान पर बस एक ही नाम है, राम राम। और ये अयोध्या किस तरीके से बदल रही है, अयोध्या किस तरीके से सबर रही है, जिक्र उस बात का भी है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हर तस्वीर हम आपके सामने लाते रहेंगे, दीपोत्सव की हर तस्वीर आपके साथ सामने रखते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि कैसे सवर रही है राम की अयोध्या, कैसे सज रही है राम की अयोध्या। फिलहाल कैमरामैन नरेश के साथ अमित गर्ग शुक्ला को इजाजत दीजिए, नमस्कार।